हेलो फ्रेंड्स, मिनी किचन में एक और यम्मी सी रेसिपी के साथ आपका स्वागत है। आज मैं मेथी मटर मलाई की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं और इसे बनाना भी उतना ही आसान है। मेथी और मटर की सीजन चल रही है, तो चलिए आज इसी की रेसिपी बनाते हैं। इसके लिए मैंने एक कटोरी बारीक कटा हुआ मेथी के पत्ते लिए हैं। पत्तों को अच्छी तरह से साफ कर लेंगे और मटर भी मैंने एक कटोरी ही लिया है। मटर को हम 3 से 4 मिनट के लिए बॉईल करके सॉफ्ट कर लेंगे। अब लो फ्लेम पे पैन गरम करके 1 चम्मच उसमें ऑयल डालेंगे। तेल गरम हो जाए उसके बाद बारीक कटी हुई मेथी के पत्ते इसमें डाल देंगे। बस 1 मिनट के लिए ही मेथी के पत्तों को हम भूनेंगे। पत्ते थोड़ी सी सिकुड़ जाए उसके बाद हम इसे पैन से बाहर निकाल लेंगे। अब इसी पैन में 3 चम्मच कुकिंग ऑयल डालेंगे। तेल अच्छे से गर्म हो जाए उसके बाद 4 से 5 काजू डालेंगे और 1 बारीक कटी हुई प्याज, 3 से 4 बारीक कटी हुई हरी मिर्च भी डाल देंगे। लो फ्लेम पे प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। प्याज अच्छी तरह से भून जाए उसके बाद 1 बड़ी साइज की बारीक कटी हुई टमाटर डालेंगे और साथ ही कुछ मसाले भी, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच नमक। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। सभी को अच्छे से मिलाते हुए 2 से 3 मिनट के लिए पकने देंगे ताकि टमाटर भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। ये एकदम रेडी है। अब इसे ठंडा होने के बाद इसका पेस्ट बना लेंगे। अब इसी पैन में 2 चम्मच तेल डालेंगे। तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाए इसके बाद 1/2 चम्मच इसमें जीरा ऐड करेंगे। जीरा थोड़ी सी भून जाए इसके बाद जो हमने पेस्ट बनाया था उसे डालेंगे। लगातार चलाते हुए 1 से 2 मिनट के लिए इसे भी हम भून लेंगे। थोड़ी सी भून जाए उसके बाद 1/2 कप इसमें पानी ऐड करेंगे। एक बार फिर अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और 2 से 3 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे। 3 मिनट के बाद हम इसे एक बार चेक कर लेंगे। ग्रेवी गाढ़ी हो गई है। अब हम इसमें मेथी के पत्ते ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब इसमें बॉईल किया हुआ मटर भी डालेंगे। सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें 1/2 कप पानी डाल देंगे। और अच्छी तरह से मिक्स करके 4 से 5 मिनट के लिए ढककर पकने देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं। वाव, देखिए कितने लाजवाब दिख रहे हैं। अभी तो इसमें मेन इंग्रेडिएंट डालना बाकी है, उसके बाद तो इसका लुक एकदम डिलीशियस हो जाएगा। 1 कप भर कर हम इसमें घर की ताजी बनी हुई मलाई डालेंगे। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इसका स्वाद और बढ़ाने के लिए 1 चम्मच कसूरी मेथी डालेंगे और 1 चम्मच किचन किंग मसाला डालेंगे। इसकी जगह पे आप गरम मसाला भी डाल सकते हैं। अच्छी तरह से सभी को मिक्स कर देंगे और 2 मिनट के लिए इसे फिर से ढककर पकने देंगे। दो मिनट के बाद हमारी मेथी मटर मलाई एकदम तैयार है। देखिए इसका थिकनेस बिल्कुल गाढ़ी होनी चाहिए। इस तरह से लग रहे हैं ना, सुपर यम्मी। तो एक बाउल में इसे सर्व करते हैं। तो इस यम्मी मेथी मटर मलाई को आप गर्मा गर्म पूरी, पराठा या चपाती के साथ सर्व करें, आपको बहुत पसंद आएगी। और आपने देखा ही इसे बनाना कितना आसान है। तो मेथी मटर का सीजन जाने से पहले इस रेसिपी को आप भी जरूर ट्राई करें। तो आप भी बनाइए और पूरे परिवार के साथ खाइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर मिलते हैं इसी तरह की यम्मी रेसिपी के साथ।